आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल में हॉट स्पॉट ओपन नहीं हो रहा है, हॉट स्पॉट वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देता है पोर्टेबल हॉट स्पॉट। तो आप क्या करेंगे, पोर्टेबल हॉट स्पॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है पोर्टेबल हॉट स्पॉट, सेटअप पोर्टेबल हॉट स्पॉट। और इसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार इसे आप डिसेबल करके फिर से इसे इनेबल करेंगे पहली बार। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है वन टाइम डाटा लिमिट, तो इसमें भी आपको चेक कर लेना है कि ये डाटा लिमिट जो साइज़ है 50 MB है। अगर आप ज़्यादा यूज इससे कनेक्ट करके करेंगे तो जैसे 50 MB ख़त्म होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ऑटो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या करें कि कस्टम पे जाएं और कस्टम पे जाके 1 GB 2 GB इस तरह से सेट कर दें। और सेट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है कनेक्टेड डिवाइस, तो इस पर क्लिक करके लिमिट ऑफ कनेक्टेड। तो होता है क्या है कि अगर आप हॉटस्पॉट ओपन करते हैं तो इसमें एक डिवाइस कनेक्ट का इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर दो डिवाइस को कनेक्ट करना चाहेंगे तो फिर वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आप यहाँ से अनलिमिटेड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से सेटिंग में जाना है और इसके बाद आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है MIUI वर्ज़न, तो इस पर चेक कर लेना है कि कोई अपडेट तो नहीं आया होगा। अगर कोई अपडेट आया होगा तो अपने मोबाइल को अपडेट कर देंगे। इसके बाद भी अगर आपका पोर्टेबल हॉटस्पॉट काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, तो समझ जाइए कि फिर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको तो जाना होगा सर्विस सेंटर में या किसी दुकान में, क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही इशू को सॉल्व करते हैं और बताते हैं, हमें तो हार्डवेयर के बारे में कुछ मालूम है नहीं। तो इसका यही सोल्यूशन है। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।